सो मेटलर्जी के सेकंड पार्ट में जितने भी मेटल्स वाले केसेस थे इंक्लूडिंग इलेक्ट्रो डायग्राम वो कवर करेंगे। सो एल्युमिनियम वाले केस में की पॉइंट्स, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे बोलने का फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं, ऑक्साइड Al2O3.2H2O, इसका भी मेंशन बार बार आएगा। क्रायोलाइट, इसका भी मेंशन बार बार आता है इस टॉपिक में, क्वेश्चन जितने भी पिछले टाइम में आए हैं इन्हीं के बेसिस पे। इम्प्योरिटीज, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, याद रखिएगा अभी काम आएगा ये। सो ये तो बात हुई कि एल्युमिनियम वाले केस में क्या क्या है। फिर नोट्स बिल्कुल ऑलरेडी मैंने डाले हुए शायद प्रिंटेड फॉर्म में, तो नहीं तो 20 वाले में नेट बुक कर दूंगा मैं, बाकी जिसका चाहो उसकी नहीं छोड़ ले सकते हो, इसमें जहाँ जरूरत पड़ेगी टाइम सेव करते हुए। अब मैंने इसमें सीक्वेंस देखेगा, क्या सीक्वेंस फॉलो किया जाता है एल्युमिनियम वाला केस। लीचिंग, अगर याद हो लास्ट टाइम फर्स्ट क्लास के टॉपिक को, लीचिंग मींस दैट इज रिएक्शन विद केमिकल या रादर केमिकल ट्रीटमेंट, सो सम रिएक्शन विद सम सूटेबल रिएजेंट। यहां पर भी वही हो रहा है, वी हैव इंप्योर Al2O3, सिलिका है, आयरन ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड इंप्योरिटीज है। पर्पस क्या है, इनको रिमूव करना, राइट। सो पहली स्टेज में क्या किया गया, वी हैव टू रिएक्ट विद NaOH अंडर दिस कंडीशन, फैक्चुअल डाटा। अब NaOH से जब रिएक्शन कर रहे हैं तो खास बात क्या हो रही है, याद रखिए टोटल मिलाकर चार चीजें हमारे पास हैं, एल्मोना Al2O3 जो हमें प्योरीफाई करना है, इंप्योरिटी से दूर करना है, SiO2, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सब इंप्योरिटीज है। विद NaOH एल्मोनियम और सिलिका ये दोनों तो रिएक्शन कर जाते हैं टू फॉर्म सम सॉल्युबल सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट एक्वस डिसॉल्व, सोडियम सिलिकेट एक्वस डिसॉल्व, लेकिन आयरन ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड देयर इज नो रिएक्शन विद NaOH। सो वो सॉलिड थे, सॉलिड के सॉलिड रह गए। अब क्या हुआ, चार चीजें थी मेरे पास इनिशियली, एक मुझे चाहिए Al2O3, तीन को रिमूव करना है। तो पहले स्टेज में जब हमने रिएक्शन किया विद NaOH, वी आर एबल टू रिमूव दीज टू कंपोनेंट्स, दीज टू इंप्योरिटीज। तो आयरन ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड को हमने दूर कर दिया, अब क्या बचा है, सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम सिलिकेट, CO2, दैट इज वी हैव टू मेंटेन द पीएच। इस केस में पीएच को प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं बाय एडिंग CO2। सो हल्का सा बेसिक वीडियो में हल्का सा एसिडिक की तरफ ले गए हम, पीएच को लोअर करने की कोशिश की। क्या देखा गया कि जो सोडियम सिलिकेट है दैट वाज वाटर सॉल्युबल, वही का वही रहा, लेकिन जो एल्युमिनेट था बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन पीएच कंडीशन ये सॉलिड की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में चला गया। सो पहले मेरे पास चार चीजें थी, पहले मैंने चार में से दो को दूर किया, कैसे दूर किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड को, सिलिका ऑक्साइड को डिसॉल्व फॉर्म में ले आए, वो सॉलिड फॉर्म में थी सॉलिड फॉर्म में रह गई, फिल्ट्रेशन किया, सॉलिड वाली चीज को फेंक दिया, सोल्यूशन को रख लिया। अभी सोल्यूशन में ऑन पासिंग CO2, अब मेरे पास सोल्यूशन भी है हैविंग सोडियम सिलिकेट और सॉलिड चीज भी है हैविंग Al2O3 एक्स वाटर। अब मुझे सोल्यूशन को फेंक देना है, सॉलिड को रख लेना है, ये मेरा पहला पर्पस सॉल्व हो गया जो हम चाहते थे। जितना भी किया बोलो जरा, सारा सारा को Describe giving equations involved in the Bayer's process for obtaining pure Al2O3 from bauxite ore, or give reactions involved in leaching of alumina from bauxite ore. Main impurities in bauxite are TiO2, iron oxide, SiO2. In this process, the finely divided powdered ore is treated with NaOH. Aluminium dissolves to give sodium aluminate and SiO2 as sodium silicate, but Fe2O3 and TiO2 are undissolved and can be removed. The solution of sodium silicate and sodium aluminate is filtered off and cooled, and it is neutralized with CO2.
The sodium silicate remains in the solution and hydrated alumina is precipitated. The precipitate is filtered, dried, and finally heated to obtain pure Al2O3. Right, ठीक है. So पहले स्टेज में LS reaction किया गया, sodium silicate और sodium aluminate, ये तो solution की form में है. Iron oxide, titanium oxide, they remain undissolved. Solid थे, solid के solid रहके उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा. फिर इसके बाद अगली स्टेज जो reaction किया गया, वो क्या था? CO2 gas use की गई. So sodium aluminate से Al2O3 precipitate कर गया, solid की form में. हीट किया गया, x वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, सो कॉल्ड कैंसिलेशन जिसको हम कहते हैं. अभी हमारे पास प्योर Al2O3 आ गया. अब Al2O3 फिल्ट्रेशन किया गया, ड्राई किया गया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में था, फिल्ट्रेशन सुखा दिया, ड्राई कर दिया, कैंसिलेशन में सीट कर दिया. नाउ वी गेट प्योर Al2O3, x वाटर मॉलिक्यूल स्टीम बन के उड़ गया. अब इसके बाद Al2O3 का क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस. ध्यान दीजिएगा, हॉल हेरोल्ड मेथड, मेथड का नाम है. इलेक्ट्रोड्स कार्बन है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको रोल प्ले करता है. इलेक्ट्रोलाइट्स Al2O3 तो है ही है. अब इस केस में वी हैव टू ऐड कैल्शियम फ्लोराइड एंड क्रायोलाइट. ये याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस बेसिस पे है, इनका पर्पस क्या है. अभी क्वेश्चन की फॉर्म देखते हैं. अब करना तो हमें Al2O3 चाहिए, हमारा जो पर्पस है, जो रिएक्शन है, वो Al3 प्लस Al वाला कैटाइन का, या वहां से ऑक्साइड एनायन, तो कैथोड पे कैटाइन, एनोड पे एनायन, ये रिएक्शन करेंगे. सो कैथोड पे Al3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया, Al लिक्विड मोल्टन फॉर्म में, हाई टेम्परेचर होता है, एल्युमिनियम इज इन लिक्विड फॉर्म. वहां से जो ऑक्सीजन है, इसका जो ऑक्साइड है एनायनिक पार्ट, वो कार्बन से रिएक्शन करना है. याद रखिएगा, कार्बन क्या चीज है? इलेक्ट्रोड. कार्बन भी दिखाऊंगा आपको उसकी स्लाइड. तो कार्बन इलेक्ट्रोड एनोड वाला पार्ट, वो रिएक्शन कर रहा है विद ऑक्साइड टू गिव CO, टू गिव CO2. यानी कि कार्बन CO और CO2 बन के उड़ रहा है, यानी कि वी आर गेटिंग ए एल्युमिनियम एट द कॉस्ट ऑफ कार्बन. तो नेट रिजल्ट अगर हम ऐड कर दें, तो कार्बन ने Al2O3 में से Al को अलग कर दिया, O के साथ खुद CO2 वगैरह बन के CO बन के रिमूव हो गया. तो ये हमें प्योर एल्युमिनियम मिल जाता है, ये इसका प्रोसेस है. अब बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी मुद्दे पे, जो टॉपिक अभी देख रहे हो, इस पे बने हुए हैं, टिके हुए हैं, देखते हैं अभी क्या क्या रहेगा. अब इस केस में कार्बन एनोड, जो कैथोड है वो भी कार्बन है, जो लाइनिंग है कार्बन की वो भी कार्बन वाली है, एनोड भी कार्बन का, कैथोड भी कार्बन का. इस पर्टिकुलर केस में ये जो बीच में रॉड्स हैं, ये एनोड वाली पार्ट है, जो आउटर लाइनिंग है वो कैथोड वाला पार्ट कार्बन का. मोल्टर Al2O3 क्रायोलाइट वगैरह ये सब ऐड किया गया. इस केस में नेट रिजल्ट क्या देखा था? मोल्टन एल्युमिनियम इज ऑब्टेंड, वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं इस केस में, उसको सेपरेट करते रहते हैं. ये एक ओवरऑल सीक्वेंस है जो हमें चाहिए होता है. अब इससे कंसर्निंग कलर फ्री भी देख लें इसको, अगर ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे, ज्यादा क्लियर है. सो कार्बन रॉड्स एज एनोड, फिर वहां पर क्या देखा था हमने, जो लाइनिंग है वो कैथोड वाली, वो भी कार्बन की है, कार्बन ही एनोड है, कार्बन ही कैथोड है. अब लेकिन पॉइंट क्या आता है, साइज ऑफ एनोड गोज ऑन डिक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि जो कार्बन एनोड है वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड के साथ, टू गिव CO, टू गिव CO2, धीरे धीरे साइज श्रिंक कर जाता है. इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई कार्बन एनोड्स आर रिप्लेस, नॉट कैथोड. कैथोड पे कुछ नहीं हो रहा, कैथोड पे कार्बन कंज्यूम नहीं हो रहा, एनोड पे हो रहा है. तो एनोड का जो कार्बन है उसका साइज श्रिंक कर जाता है, सो वी हैव टू रिप्लेस इट पीरियोडिकली, तो हमें बार बार इसको रिमूव करना पड़ता है. और क्योंकि टेम्परेचर ऐसा मेंटेन्ड है कि जो एल्युमिनियम मिल रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, तो ये मोल्टन एल्युमिनियम को सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से. ये हॉल हेरोल्ड मेथड इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रोलिसिस का.
आगे बोलो। How will you obtain pure aluminium from pure Al2O3 by electrolytic method? A. Answer: electrolytic reduction Hall-Heroult process. Purified Al2O3 is mixed with cryolite or CaF2, which lowers its melting point and increases electrical conductivity. Molten mixture is electrolyzed using number of graphite rods as anode and carbon lining as cathode. The graphite anode is useful for reduction of metal oxide to metal. So purified Al2O3 is mixed with cryolite and calcium chloride, which lowers its melting point. याद रखिएगा Al2O3 का अपने आप में melting point बहुत ज़्यादा है। अगर हम क्योंकि ultimately जो conduction होगी वो तो molten form में होगी, तो ऐसे केस में उसको molten form में convert करने के लिए high temperature भी heat करना पड़ेगा, roughly 3000 degree के आसपास रहता है। अब उसको melting point कम कैसे किया जाए? जो topic हमने किया था depression of freezing point, यहाँ पर हमने क्या किया? By addition of impurities, by addition of cryolite, by addition of calcium chloride, melting point कम कर दिया, तो उसे fuel consumption बच जाती है, cost बच जाती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, इतने सारे एनिक स्पीशीज हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो ये दो एडवांटेजेस याद रखिएगा, कई बार काम आएंगे। फिर इसको इलेक्ट्रोलिस किया गया, कार्बन ग्रेफाइट रॉड एज एनोड, कार्बन लाइनिंग एज कैथोड। उस केस में अब इस केस में नेट रिएक्शन देखोगे, नेट रिएक्शन में कार्बन Al2O3 Al में कन्वर्ट कर रहा है, कुछ CO2 में जा रहा है, तो कार्बन की कॉस्ट हुई। लेकिन ये कार्बन कौन सा वाला है? एनोड वाला, कैथोड वाला नहीं है, याद रखिएगा। मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं क्योंकि बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं। सो Al3 प्लस Al कार्बन लिक्विड की फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, C से CO, C से CO2, अल्टीमेटली CO2 बनता है पूरी रिएक्शन के बाद। सो एनोड्स आर कंज्यूम्ड, हेंस एनोड्स आर रिप्लेस्ड पीरियोडिकली। ये जो एनोड्स बीच में रॉड्स दिखाई गई है, ये रिप्लेस करने पड़ती है, उनको पता होता है इतने टाइम में खत्म हो जाएंगी, अब इसको रिप्लेस कर लो, ऐसे करते हो। फॉर ईच केजी ऑफ Al About 0.5 kg of carbon anode is burnt away. अब लेकिन बात वही है कि अगर आधा किलो कार्बन की कॉस्ट पे एक किलो एल्युमिनियम अगर मिल रहा है, तो कार्बन तो बहुत सस्ता है, एल्युमिनियम तो उससे बहुत महंगा है, तो एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छी बात है। तो ये इस केस पे मेंशन किया गया यहाँ पर। हालांकि इससे कंसर्निंग एक पॉइंट और भी आ जाएगा कि अगर हम कार्बन से ही ऑब्टेन करना था तो हम सिंपली कार्बन से डायरेक्ट रिडक्शन भी नहीं कर देते हैं, कार्बन को यूज करते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या इसका रहेगा। लेकिन ये तो सेम डेफिनेशन है, यह बोल दो क्वेश्चन आए। What are the functions of adding cryolite to Al2O3 in the electrolytic reduction of Al2O3? The functions of cryolite addition to Al2O3 are: 1. To lower the melting point of Al2O3, 2. To increase the electrical conductivity, and 3. To reduce the fuel bill. ठीक है, देखिए तो बात है, जब melting point कम हो जाएगा तो जो fuel consumption है वो कम हो जाती है, तो भी एक parallel advantage जो मिलता है। अब इन्हीं points द्वारा और elaborate किया गया, चल भी आगे। नंदिता बोल दो बड़े। प्योर एल्यूमिना कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड, व्हाई? प्योर एल्यूमिना हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हमने क्यों क्रायोलाइट ऐड किया, क्यों नहीं प्योर Al2O3 यूज कर लिया? कंडक्शन भी कम है और ऊपर से मेल्टिंग पॉइंट हाई है, सो दोनों चीजें नुकसान करती है, और चाहिए हमें मोल्टन फॉर्म में। आगे, In the electrolytic manufacture of aluminium, why are carbon anodes consumed? During electrolysis of alumina and cryolite for the manufacture of aluminium, oxygen evolved at the anode reacts with carbon of anode to form CO and CO2, and thus anode is slowly consumed. ठीक है ना, तो जो ऑक्साइड वाला पार्ट है कार्बन से कंबाइन करता हुआ CO CO2 के फॉर्म में जा रहा है, तो कार्बन एनोड इसलिए कंज्यूम होता गया, सो वी हैव टू रिप्लेस इट पीरियोडिकली।
The role of fluorospar, which is added in small quantities in the electrolytic reduction of alumina dissolved in fused cryolite. So fluorospar calcium fluoride हो गया, cryolite Na3AlF6 वाला हो गया. तो ये जो हम ऐड करते हैं इनका पर्पस क्या क्या होता है? सो क्या क्या होता है? टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर. जस्ट बताते हुए कि क्वेश्चन इसी बेसिस पे आते हैं जो यहाँ पर हमारे पास है. ठीक है, तो जैसे ये आप करते हुए फिर यहाँ पर हमारे पास द ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये सेम है जो आपने ऊपर पढ़ा भी. तो अगर मुझे पूछा जाए कि इस केस में नेट रिएक्शन क्या है, कि Al2O3 सिर्फ ब्रेक कर जाता है या Al2O3 कार्बन से रिएक्शन करता है, Al2O3 कार्बन से रिएक्शन करके अल्टीमेटली क्या बनाता है? CO2. CO पहले बनता है लेकिन अल्टीमेटली क्या बनता है? CO2 वाला पार्ट है. तो ये जो भी हमने रिएक्शन देखा था इससे पहले वाले में, सो अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास Al+3CO2, ये चीज हमारे पास नेट रिएक्शन. सो यही चीज रिएक्शन आपको गिवन होंगे, उनमें से सही बताना होगा. उस समय याद रहना चाहिए कि इस केस में अल्टीमेटली क्या बना था. तो कार्बन इज कन्वर्टेड टू CO2 अल्टीमेटली और वहां से फिर Al साथ में बन गया. अब ये जो भी मेथड पर किया हमने लीचिंग मेथड वही टू रिएक्शन विद सुटेबल रिएजेंट. सो अब इस केस में इसको पढ़िए, देखिए क्या क्या बनेगा. एक्स क्या, वाई क्या, जो पूछा गया क्या क्या चीज बन रही थी. मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं, अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हो, हमारे पास जो लीचिंग प्रोसेस, सो क्या चीज बनती है ये, इसको याद रखिए. इसको पढ़ लीजिए एक बार, उस क्वेश्चन में आते हैं और ढूंढिए उसमें से कैसे आप आंसर को कोलेट कर पाओगे. ठीक है, हाँ भाई. सो पहले एनएओएच रिएक्शन किया गया, फिर CO2 गैस पास की गई. कौन से वाले कंपोनेंट क्या क्या बने हैं, पहले क्या बना है, बाद में क्या बना है? चिलिंग गोबर है, ये तरीका समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आने हैं बट एनर्जी में. पहला जो स्टेप किया गया एनएच के साथ, क्या फॉर्मेशन हुई है? फिर जब CO2 गैस यूज की गई, क्या फॉर्मेशन हुई है? इसलिए नोट्स वाला पार्ट जो है उसको रिटेन करना है कि क्या क्या चीजें बनती हैं. ये क्वेश्चन का बता रहा हूं तरीका कि एग्जाम में तभी क्वेश्चन हो पाएंगे. हाँ भाई, क्या आंसर बनेगा? सर ए पार्ट होगा ना सर, ए पार्ट. ये बस फिर थोड़ा सा AL वाली बात है, वो L गलत हो गया भाई. सो NaAlOH4 वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहां नीचे थी, ये 2 3 x 1 होगा, बिल्कुल ठीक बात, ऐसे ही करते हो. सो फिर इस केस में ये इन चॉइसेस को पढ़िएगा, चेक कीजिए कि क्या सही बैठ रहा है, क्या कुछ सही है. कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है जो मैंने पढ़ी आपने? सर बी पार्ट. बी पार्ट. सो क्या था इस केस में? ग्रेविटी सेपरेशन का नाम हमने नहीं यूज किया, हमने लीचिंग का नाम यूज किया था. कंसेंट्रेशन ऑफ ओर कैसे की थी हमने? लीचिंग से NaOH देन CO2 गैस. सो ग्रेविटी सेपरेशन का नाम यहां पर नहीं आया था. फिर इस केस में लिक्वेशन का नाम नहीं आया था. लिक्वेशन किसके लिए होती है? लो मेल्टिंग लिक्विड्स के लिए, टिन वगैरह के लिए. फिर इस केस में
जो बी वाला पार्ट है यस बिल्कुल वही है मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड क्रायोलाइट फ्लोरोस्पार्क कैल्शियोफ्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यस बिल्कुल और फिर इस केस में कह देना एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एट फ्लोरीन एट एनोड फ्लोरीन तो आता ही नहीं कहीं की रिएक्शन में रोल ही नहीं प्ले कर रहा था अल्टीमेट इट इज Al2O3 जो रोल प्ले करता है तो Al मेटल की फॉर्म में चला गया ऑक्साइड से CO और फाइनली CO2 बन जाता है तो ये जैसे एक क्वेश्चन बताते हुए कि इसके क्वेश्चन जो ऑलरेडी एनसीईआरटी पे डायरेक्ट गिवन है उन्हीं के बेसिस पे इस वाली फॉर्म में क्वेश्चन बनेंगे एक और देख लीजिएगा रिवीजन के लिए अच्छा काम आएगा अभी क्या विचार है सी पार्ट सी वाला पार्ट ठीक है तो ये चीज ध्यान में रखिएगा बार बार क्वेश्चन की फॉर्म में आई हुई है प्रोसेस का नाम याद रखिएगा बेयर्स प्रोसेस चाहे एसिड एंड एसिड इज नेम नहीं दिया हुआ लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो हमने बातचीत की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेयर्स प्रोसेस एक नॉलेज कर लीजिएगा सो इस केस में ये रिएक्शन हुआ सॉलिड इंप्योरिटीज Fe2O3 SiO2 आर रिमूव्ड AlOH4 वही था ना NaAlH4 सो यहां से फिर हमने आगे फर्दर Al2O3 बना लिया तो ये इस केस में प्रोसेस हमारे पास है अब यहां पर क्या पूछा गया इंडस्ट्री में यूज करते हुए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो बिल्कुल आपको लग पा रही है कि हमने जिसको यूज किया था सर यस कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड अगर थोड़ा सा इसको टीचर चाहता और अच्छा करके टू कंट्रोल द पीएच क्योंकि इसमें अल्टीमेटली पीएच रोल प्ले करती है सो पीएच कम करके जब तक पीएच ज्यादा है अल्कलाइन मीडियम है इट इज इन सॉल्यूशन फॉर्म NaAlH4 इज इन एक्वस फॉर्म और इसको प्रेसिपिटेट करते हैं एल्बुना की फॉर्म तो ये जस्ट एक पॉइंट करते हुए कि कैसे आपको जो नॉलेज है उसको लिंक करके आंसर तक पहुंचना है अब अगली जो स्टेज हमारे पास है वो है रिगार्डिंग आयरन को लेकर आयरन वाले केस में हेमेटाइट मैग्नेटाइट Fe2O3 Fe3O4 ये वाले जो है इनको यूज करते हैं क्योंकि ऑक्साइड है तो बातें ऑक्साइड है ऑलरेडी तो कैल्सिनेशन अगर सल्फाइड होता तो क्या चीज करते हैं कैल्सिनेशन के पैरेलल क्या चीज थी रोस्टिंग वाला केस ठीक है तो यहां पर कैल्सिनेशन वाला है कोई भी वाटर वगैरह अगर है उसको डिकम्पोज कर दो कार्बोनेट है उसको ब्रेक कर दो उन सब चीजों के लिए फिर इस केस में अच्छा बाय द वे इसको देखकर क्या लग रहा है इसमें कंसंट्रेशन के लिए कौन सा मेथड जो हमने मेथड पढ़े हुए हैं कौन सा मेथड यूज करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन वाला क्योंकि ये मैग्नेटिक चीज है ना तो भी अब यूज मैग्नेटिक सेपरेशन वाला उसके बाद फिर ये कैल्सिनेशन वगैरह की बात की गई है यहां पर हमारे पास अब द मिक्सचर ऑफ कैल्सिनेटेड और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट कोक कार्बन आर एडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस अब यहां पर ब्लास्ट फर्नेस उसका जो वर्किंग है वो काम आती है जैसे वहां पर एल्युमिनियम वगैरह में क्रायोलाइट ये वो उन चीजों पे एम्फेसिस किया जाता है ऐसे ही आयरन के एक्सट्रैक्शन में ब्लास्ट फर्नेस बड़ा रोल प्ले करती है किस फर्नेस में क्या क्या फंक्शन है इसके ओवरऑल अगर नॉलेज दूं मैं सो कंसेंट्रेशन क्या क्या वॉशिंग की गई है मैग्नेटिक सेपरेशन क्योंकि नेचुरल पाथ आयरन की चीज है तो मैग्नेटिक और की कंसेंट्रेशन हो गई फिर कैल्सिनेशन किया गया ताकि जो भी कोई CO2 वगैरह हो उसको रिमूव करके खत्म कर दिया जाए Fe2O3 हैविंग SiO2 इंप्योरिटी Fe2O3 मेन कंपोनेंट है जिससे हमें आयरन को ऑब्टेन करना है बट इट कंटेन्स SiO2 आल्सो एज इंप्योरिटी अब मुझे उस SiO2 इंप्योरिटी को रिमूव करना है एडिशन ऑफ कोक कार्बन लाइमस्टोन दोनों का अपना अपना काम है और प्लस हीट देखा गया कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज ऑफ हीट डेल्टा डिकम्पोज कर जाता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड CO2 इसमें से जो इफेक्टिव पार्ट है जो काम आता है वो कैल्शियम ऑक्साइड है होता ही है कि जो सिलिका है ना जो इम्प्योरिटी है दैट इज एसिडिक इन नेचर
calcium oxide is basic in nature, so they combine to form slag. Slag ऐसे एसिड बेस बनाकर एक सॉल्ट टाइप का जो स्लैग बनाते हैं, इससे रिमूवल आसान हो जाती है. अपने हमें SiO2 को आयरन से आयरन ऑक्साइड से अलग करना मुश्किल है प्रैक्टिकली, लेकिन ये जो बन जाता है ना स्लैग, इसकी रिमूवल काफी इजी है, काफी आसान है. तो ये रिमूव कर दिया जाता है. फिर आयरन ऑक्साइड के लिए एड तो हम करते हैं कार्बन, बट इन द होल प्रोसेस CO इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. तो कार्बन तो जो खर्चा किया जो किया हमने एज रिड्यूसिंग एजेंट, उसे जो CO बना फ्री में वो भी बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. और दोनों का काम क्या है, टू कन्वर्ट आयरन ऑक्साइड इनटू आयरन. मोल्टन स्लैग अपर लेयर में, ऊपर की लेयर साफ कर दी गई, नीचे आयरन लोअर लेयर डेंस होता है, तो ये नीचे आयरन. और आयरन जो यहां से निकल के आता है ना उसको पिग आयरन जस्ट नाम दिया मिस्टर ने, पिग आयरन इसकी जो ब्रांच रॉड्स वगैरह निकलती है उनको नाम दिया गया. इसके पॉइंट्स को लिंक करते हुए आगे पीछे हो गया था. अब बड़े बोलो जरा. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन. Iron is mainly extracted from hematite or magnetite ores Fe2O3 or Fe3O4. The ore is first powdered and calcined to remove water, decomposed carbonates and to oxidize sulfides. The mixture of their calcinated ore, limestone and coke are added from the top of the blast furnace. Hot air is blown from the bottom of the furnace and coke is burned to give CO and hence generates temperature up to about 2200 Kelvin in the lower portion itself. The burning of coke therefore supplies most of the heat required in the process. Carbon acts as reducing agent in the lower part of the blast furnace while carbon monoxide in the upper part of the furnace. So, Sunjay ka do-tee baate kaafi important si is case mein khas tor pe. Abhi diagram dikhata bhi hu. Ye kya dikhaya gaya ki mixture of calcinated ore, limestone, coke are added from the top of the blast furnace. और है लाइमस्टोन है कोक है, ये ऊपर से ऐड किया गया. ब्लास्ट ऑफ ए ऑक्सीजन ये नीचे से ऐड की गई है. सो हॉट एयर इज ब्लोन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्नेस, कोक इज बर्न टू गिव सीओ एंड हेंस जनरेट्स टेंपरेचर अप टू अबाउट 2200 केल्विन इन द लोअर पार्ट इटसेल्फ. अब ये बड़े कमाल का प्रोसेस है ब्लास्ट फर्नेस में कि हम इनिशियली जो एयर यूज करते हैं सो कॉल्ड प्री हीटेड एयर, ये रफली 1000 केल्विन के आसपास होती है, लेकिन वो 1000 केल्विन वाली ऑक्सीजन जो हमने कार्बन ऐड किया था उससे रिएक्शन करेगी. कार्बन का कंबशन टू गिव CO2 एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अच्छी खासी हीट जनरेट करता है. सो कार्बन विद O2 टू गिव CO2, कार्बन विद CO2 टू गिव CO, ये सारे प्रोसेस कोक वगैरह वाले रिएक्शन करने वाले ये कैसे है एक्सोथर्मिक है. और इसके अपने रिएक्शन की वजह से जो हमने हीट ऐड की थी, जो फ्यूल का खर्चा किया था 1000 केल्विन का, हमें क्या मिल गया, रफली 2200 केल्विन के आसपास टेम्परेचर मिल गया. इतना हाई टेम्परेचर जनरेट हो रहा है अपने ही प्रोसेस से, ये बड़ा प्लस पॉइंट है. सो हॉट एयर रफली 1000 केल्विन के आसपास ऐड किया गया एंड वी गेट टेम्परेचर अप टू अबाउट 2200 केल्विन इन द लोअर पार्ट इटसेल्फ. तो ये चीज है, दैट मींस द बर्निंग ऑफ कोक देयरफॉर सप्लाइज मोस्ट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस. तो कार्बन की जो कंबशन है वो अपने आप ही हेल्प कर देती है इतनी हीट प्रोड्यूस करने में. सो कार्बन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट इन लोअर पार्ट, जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर कार्बन ज्यादा इफेक्टिव है. कार्बन मोनोऑक्साइड इन द अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस,
कार्बन मोनोक्साइड जो CO है वो अपर वाले पार्ट में, ये देखिएगा नीचे वाले पोर्शन में कार्बन काम आ रहा है, ठीक है, FeO को Fe पे कन्वर्ट कर दिया, कार्बन रोल प्ले कर रहा है। इससे जो CO बनता है ये ऊपर के हिस्से में जाता है जहां टेम्परेचर कम है, उस केस में रिएक्शन देखोगे CO काम आ रहा है। Fe2O3 से Fe3O4 बना दिया, Fe3O4 से FeO बना दिया, फिर वो FeO Fe की फॉर्म में चला गया इस रिजल्ट में। तो ये रिएक्शन का प्रोसेस है, रिएक्शन का सिस्टम है, याद रखिएगा। इस केस में ये सिर्फ कहा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन है दिस इज दी ओनली एंडोथर्मिक रिएक्शन, बाकी केसेस में जो रिएक्शन वगैरह मिल रहे हैं उनमें हीट अपने आप ही जनरेट हो जाती है। तो ये बड़ा एक अच्छा प्लस पॉइंट रहता है यहाँ पर। तो ये एक सीक्वेंस, कार्बन हाई टेम्परेचर जोन में, कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर के जोन में लो टेम्परेचर जोन में, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लाइमस्टोन का काम क्या है, इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड CO2। कैल्शियम ऑक्साइड बीइंग बेसिक इन नेचर कंबाइन करते हैं एसिडिक पीरियोडिक SiO2 के साथ फॉर्म स्लैग, जिसको रिमूव करना काफी इजी है, काफी आसान। तो ये है एक ओवरऑल जो इस केस में, जो यहां से आयरन निकला पिक आयरन के नाम से, ऊपर जो हमारे पास वो मोल्टन स्लैग है वो अलग निकाल दिया गया, सॉलिड वेस्ट स्लैग उधर और यहां से आयरन अलग कर दिया गया। ये सिस्टम है इस पर्टिकुलर केस में। और इसमें दिखाऊं अगर मैं, नीचे टेम्परेचर ज्यादा, एयर प्रीहीटेड एयर ऐड की जाती है, ऊपर टेम्परेचर कम, ऊपर के टेम्परेचर में CO, नीचे के टेम्परेचर में कार्बन। की बातें तो वही है, सिर्फ यही है कि बार बार सुनने से पढ़ने से थोड़ा दिमाग पे बैठ जाती है। हाँ बेटे बोलो आगे। चल भी निधि थोड़ा तू बोल दे। D38 निधि। In the extraction of Fe, write down the reactions involved in it. A, top part lower temperature range, lower part high temperature range of the blast furnace. So blast furnace का lower part high temperature zone होता है, ऊपर वाला part lower temperature zone होता है, याद रखिएगा। Again, in the top part at 500 to 800 Kelvin, that is lower temperature range in the blast furnace, CO acts as reducing agent which involves following reactions. ठीक है। At 9 reaction दिए गए, कैसे वो convert करता है CO iron oxide को iron में ultimately, फिर at 900 to 1500 Kelvin में high temperature zone में, so कार्बन से CO का बनना, FeO CO का Fe में कन्वर्ट कर देना, फिर इस केस में लोअर पार्ट जहां टेम्परेचर इज वेरी हाई, कार्बन एक्सेस रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो थोड़ा ऊपर वाले जोन में CO और जो सबसे हाई टेम्परेचर वाला जोन है वहां पर कार्बन, तो ये चीज याद रखिएगा कि हाई टेम्परेचर जोन में कार्बन और थोड़ा टेम्परेचर जब कम हो जाता है ऊपर की तरफ CO एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इस चीज को, इस इंफॉर्मेशन को काफी बार यूज किया गया। What is the main source of heat in blast furnace in metallurgy of iron? Hot air is blown from the bottom of the surface and coke is burnt to give CO and hence generates temperature up to 2200 Kelvin in the about 2200 Kelvin in the lower portion itself. The burning of coke therefore supplies most of the heat required in the process. So un points ko jaan ke bar bar highlight kiya gaya jin pe कुछ आते हैं क्वेश्चन, टीचर ध्यान देते हैं। अब आगे देखिएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइमस्टोन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन? द लाइमस्टोन इज अ फ्लक्स which decomposes at 1000 Kelvin and produces lime which combines with silica impurity to form calcium silicate as slag. So yaad rakhiye jo silica impurity ki form mein tha, that is acidic in nature, calcium oxide basic nature ka hai,
तो एसिड और बेस से एक तरह का सॉल्ट फॉर्मेशन स्लैग, और स्लैग की खासियत क्या होती है, इसका रिमूवल काफी इजी होता है, इसको रिमूव करना फ्यूजिबल फॉर्म में होता है, लिक्विड की फ्लूइड की फॉर्म में, तो ठीक विस्कस सा इसको बार का बार साफ कर लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर केस में। What is the advantage of forming slag in metallurgy? During metallurgy, flux is added which combines with gangue to form slag. Slag separates more easily from the ore than the gangue. This way, removal of gangue becomes easier. ठीक है, so gangue को यानी कि SiO2 को अगर आप directly remove करना चाहो difficult है, लेकिन slag बनाकर add करना आसान हो जाता है, मतलब slag बनाकर उसको remove करना आसान हो जाएगा। और जो चीज ऐड कर रहे हैं फॉर इट्स रिमूवल, फ्लक्स का नाम यूज किया गया उसके। अच्छा एक चीज थोड़ा सा, अब इसमें क्वेश्चन है आया हुआ कंपटीशन में जैसा भी है बिल्कुल वैसे ही दिया मैंने। सो अब इसके इसमें कौन कौन से रिएक्शंस हैं आयरन के एक्सट्रैक्शन से कंसर्निंग, आयरन से कंसर्निंग जो रिएक्शन उसके बारे में हम देखते हैं। सो उसके कंपाउंड, उसका रिएक्शन कौन सा वाला ऐसा है जो, अब इसमें एक जर्नलाइज वे में दे दिया उसने एग्जामिनर ने, जो नॉलेज हमने गेन की है उसके हिसाब से आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे आयरन ऑक्साइड बनता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड CO पे रिएक्शन करता है लोअर टेम्परेचर पे और फिर आगे फर्दर रिएक्शन करके आयरन में चला जाता है। तो CO कैन कन्वर्ट आयरन ऑक्साइड इंटू FeO एंड देन इंटू CO देन इंटू Fe, ये चीज हमारे पास रहती है इस पर्टिकुलर केस। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो इस चैप्टर से, हालांकि ठीक है जो रिएक्शन दिया हुआ है ये आयरन के पूरे ओवरऑल रिएक्शन देकर किसी टाइम में आयरन के सारे रिएक्शन सिलेबस का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन अगर हम इस समय की नॉलेज को यूज करें, इस समय सिर्फ मेटलर्जी में जो चीज नॉलेज हमने गेन की हुई है नॉर्मल कॉमन सेंस वाली उसके बेसिस पे, बाकी रिएक्शन वगैरह नो डाउट कहीं हमारे सिलेबस में एक्चुअली मेंशन नहीं किए हुए, तो इसलिए मैं उन पर नहीं जा रहा। जो हमारा टॉपिक है जो हम इस समय लिंक कर सकते हैं वो ये वाला है, CO जो है दैट कैन कन्वर्ट आयरन ऑक्साइड इनटू दिस। ये देख लीजिएगा फिर जो पर्पस था कि CO Fe3O4 Fe2O3 इसे रिएक्शन कर रहा है, FeO बना रहा है, Fe को CO फिर फर्दर Fe में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ऐसे रिएक्शन है जो इस समय के सिलेबस से कंसर्निंग है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया हुआ था कि एटलीस्ट आपको अगर मेटलर्जी के बेसिस पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नहीं दिया हुआ मेटलर्जी का नाम, लेकिन केस अगर आ जाए तो ये ऐसा प्रोसेस है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये जो आप मेटलर्जी से लिंक कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, रिएक्शन दिए हों, कौन सा रिएक्शन हाई टेम्परेचर जोन में पॉसिबल है, कौन सा लोअर टेम्परेचर जोन में पॉसिबल है। तो ये जो सीक्वेंस है जो मेरे नोट्स में भी देखोगे तो वहां पर ये मिलेगा सब कुछ, तो उस पर ध्यान जरूर देना कि कौन कौन से रिएक्शन का के कौन किसको किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। सिलिका का रोल क्या है CO FeO Fe3O4 को आगे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो ये जो साइड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दी सेक्शन ऑफ आयरन। अब बारी आती है कॉपर के एक्सट्रैक्शन को लेकर, कॉपर सल्फाइड बेसिक ओर क्योंकि सल्फाइड वाला है, यू हैव टू गो फॉर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कंसेंट्रेशन के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस याद होगा सल्फाइड के लिए यूज करते हैं।
रोस्टिंग सल्फाइड है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड. तो इस केस में FeS भी प्रेजेंट होता है, उसको भी कन्वर्ट किया जाता है FeO में कॉपर सल्फाइड के साथ. दिस इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी जो हमें रिमूव करनी होती है. तो ऑक्सीजन कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, कुछ हद तक फेरस सल्फाइड को भी फेरिक ऑक्साइड में करता है. हालांकि पूरा रिमूवल नहीं हो पाता इस स्टेज पे, लेकिन करता है. देन रोस्टेड ओर लिया गया, सिलिका ऐड किया गया. इस बार सिलिका काम किया है, ये जो FeO बना था इसको रिमूव करना. SiO2 इज एसिडिक, FeO इज बेसिक. पिछली बार SiO2 इम्प्योरिटी था, उसको ऐड किया था बाय एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड. इस बार FeO इम्प्योरिटी है, SiO2 खुद अपने पल्ले से ऐड करते हैं टू फॉर्म स्लैग. तो इस बार ये इम्प्योरिटी है और ये हमारा फ्लक्स है. पिछली बार SiO2 गैग पार्टिकल से इम्प्योरिटी थी और वहां से हमने कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स की फॉर्म में रिमूवल के लिए यूज किया. कॉपर मैट बेसिकली, ये जो कॉपर का सल्फाइड FeS वगैरह बढ़ जाते हैं ना, ये कॉपर मैट के नाम से रेफर किया जाता है. फर्दर और रिएक्शन किया गया कि जो बचा हुआ FeS है उसको और FeO में कन्वर्ट करो. फर्दर सिलिका ऐड किया होता है ताकि जो बचा हुआ FeO है वो भी स्लैग बनकर रिमूव हो जाए. पर्पस वही है कि किसी तरीके से आयरन वाली जो पार्ट है इसको रिमूव कर दे. सो पहली स्टेज में पूरा नहीं हो पाता, दोबारा फिर ये प्रोसेस दोबारा किया जाता है, रिपीट करते हैं. देन कॉपर सल्फाइड इज कन्वर्टेड टू कॉपर ऑक्साइड. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए क्या? कॉपर. तो कॉपर सल्फाइड में, कॉपर ऑक्साइड में वी ऐड ओर इटसेल्फ, जो ओर है उसी को ऐड करते हैं. इसको कहते हैं ऑटो रिडक्शन, मींस अपना ही ओर रिडक्शन का पर्पस फुलफिल कर पा रहा है. इस केस में जो बनता है उसको ब्रिस्टल कॉपर कहते हैं. क्यों कहते हैं बता रहा हूं भी आपको मैं. एक चीज बड़ी पक्की है, इस पर क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, कि ये रिएक्शन क्यों होता है. इसमें क्या होता है कि ये सारे कॉपर तो इकट्ठा हो जाता है और वहां से एस और ओ मिलकर SO2 बना देते हैं. बिकॉज सल्फर एंड ऑक्सीजन दे हैव मोर एफिनिटी टू कंबाइन विद ईच अदर, तो इसलिए इसका सल्फर इसका ऑक्सीजन वो कंबाइन करके SO2 बन के अलग हो जाता है, कॉपर मेटल हमें मिल जाता है, जिसको नाम दिया गया ब्लिस्टर कॉपर. ब्लिस्टर कॉपर इस तरह से, जैसे कहीं 40-40 हो गया ना ब्लिस्टर टाइप, इस तरह से. तो इस तरह की शेप की वजह से नाम दिया गया ब्लिस्टर कॉपर का. और फिर ब्लिस्टर कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन निकले. यस, हाँ बड़े बोलो यहां से. N5 क्वेश्चन 10, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्लिस्टर Cu मेटल फ्रॉम Cu2S. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर Cu2S concentrated by froth flotation process. Roasting, copper glands is heated in presence of oxygen to form Cu2O and sulfur dioxide is formed. ठीक है, तो ये पहले concentration क्या गया? Froth flotation process कब use करना होता है? Sulfide ore के लिए. Roasting कब करनी होती है? Sulfide वालों के लिए. In actual process, the ore is mixed with SiO2 and heated in a reverberatory furnace. Iron oxide reacts with SiO2 to form iron silicate as slag. Copper is produced in form of copper mat, which is a mixture of Cu2S and FeS. Copper mat is charged into silica lined converter. Some silica is also added in hot blast furnace. And hot blast air is used to convert the remaining FeS into FeO and Cu2S or Cu2O to metallic copper. The copper thus obtained has blisters due to evolution of SO2, so it is called blister copper. Right. So, पहले क्या किया हमने? Copper oxide, copper sulfide था, oxide में convert किया.
जो आयरन सल्फाइड है वो भी आयरन ऑक्साइड में चला जाता है. उस आयरन ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए SiO2 ऐड किया गया, फॉर्म स्लैग रिमूव कर दिया गया. लेकिन अभी भी इस स्टेज पे भी कॉपर का कुछ सल्फाइड और Fe आयरन का सल्फाइड बच जाता है, रिमेनिंग रह जाता है, कॉपर मेड के नाम से रेफर किया गया. फिर फर्दर इस चार्ज इंटू सिलिका लाइन कन्वर्टर चार्ज एड करना, कोई और अलग चीज नहीं है, एड करना सिलिका लाइन कन्वर्टर. ऐसा कन्वर्टर, ऐसा फर्नेस इस तरह की शेप वाला जिसमें सिलिका की लाइनिंग होती है, वो सिलिका SiO2 क्या काम करता है, आगे फर्दर रिमूव करता है. तो सिलिका खुद और भी ऐड करते हैं हम, क्यों ऐड करते हैं, ऑक्सीजन FeS को FeO में कन्वर्ट करेगा, लेकिन हमें तो उसको रिमूव करना है, कोई इंप्योरिटी हमारे लिए, तो हमने सिलिका जो था FeO को वो स्लैग बनाकर रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया. कॉपर सल्फाइड भी कॉपर ऑक्साइड में गया, लेकिन इस केस में हम कॉपर सल्फाइड उसको अपने आप को यूज कर लेते हैं टू फॉर्म कॉपर. तो इस केस में सल्फर और ऑक्सीजन SO2 की फॉर्म में चले गए, बिकॉज दे आर मोर एफिनिटी कंबाइंड विद ईच अदर. सो इस तरह से तो यहां पर जो कॉपर बनता है उसमें से SO2 गैस के बबल्स निकलते हैं, उन बबल्स की वजह से आपने देखा ब्लिस्टर ट्रैक जैसे छाले से हो गया इस तरह का बच जाता है, तो नाम दिया गया ब्लिस्टर कॉपर. एक और क्वेश्चन इसी पॉइंट को लेकर. State the role of silica in the metallurgy of copper, or why is sulfide ore of copper heated in a furnace after mixing with silica? Silica acts as an acidic flux in the metallurgy of copper. It helps in the removal of basic impurity FeO as slag. So SiO2 acidic flux जो हमने add किया, FeO basic impurity जो gang particle impurity की form में था, दोनों मिलकर क्या बन गए, slag के form में. यही काम है silica. ये एसिडिक फ्लक्स है, फ्लक्स जो इंप्योरिटी को दूर करने का काम करे. अब ब्लिस्टर कॉपर लिया गया, हमें प्योर कॉपर चाहिए क्योंकि इसमें भी कुछ परसेंट इंप्योरिटी के होते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, अब इस इलेक्ट्रोलिसिस में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फंडा पूरा काम आता है. इंप्योर कॉपर एनोड की तरह, प्योर कॉपर कैथोड की तरह, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट. नेट रिएक्शन क्या होता है कि जो एनोड वाला पार्ट है, एनोड, वहां से कॉपर जाता है सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूशन से कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है. तो कॉपर ही डिजोल्व हुआ और कॉपर ही प्रेसिपिटेट हुआ, लेकिन एनोड से चला कैथोड तक पहुंचा. एनोड का साइज धीरे धीरे श्रिंक कर जाएगा और कैथोड का साइज धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा. तो ये फर्क पड़ता है इस पूरे केस में. और इसको दिखाया जाए अगर impure copper as anode, purposely हमने anode ज़्यादा सारा heavy start किया, pure copper as cathode और बीच में क्या है copper sulfate solution. तो यहाँ से जो copper है वो copper 2+ के form में गया oxidation, ठीक है. So impure copper as anode, anode कौन होता है, wherever oxidation takes place. यही कॉपर 2+ कॉपर की फॉर्म में चला गया बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो जो इलेक्ट्रॉन है उसको गेन किया इसने यहां पर. ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन. व्हेनेवर रिडक्शन टेक्स प्लेस दैट इज हैड टू बी कैथोड. तो यहां से साइज धीरे धीरे श्रिंक कर जाएगा और वहां का साइज बढ़ जाएगा. फिर एक और चीज खास बात क्या होती है कि जो कॉपर है ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड इसका आगे बढ़ता है, पीछे मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स इंप्योरिटी के आ गए, अब वो इंप्योरिटी नीचे बैठ जाती है. कॉपर तो लेयर बाय लेयर डिजोल्व होता गया एक एक करके, जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, एक एक करके उतारते जाओ अंदर की लेयर, अंदर की लेयर. अब ऐसे कॉपर लेयर बाय लेयर डिजोल्व हो रहा है,
लेकिन बीच में मान लीजिए अगर इंप्योरिटीज हैं वो नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिनको नाम देते हैं एनोड मड, एनोड मड। सो इस केस में ये नीचे एनोड मड आ जाती है इंप्योरिटीज की फॉर्म। ये इसका एक पूरा प्रोसेस है, सेटअप है जो यूज किया जाता है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, हाँ बेटे बोलो। Whether coke can be used to reduce Cu2O? Yes, the oxide can then be easily reduced to metallic Cu using coke. कार्बन सस्ता एजेंट है बड़ा, इसको यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट कॉपर ऑक्साइड इनटू कॉपर, कोई दो राय नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हम कार्बन की जगह नहीं यूज किया, हमने क्या यूज किया, क्यूपरस जो ऑक्साइड वाला केस था, सल्फाइड वाला केस था, हमने ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग ओर इटसेल्फ। कार्बन की कॉस्ट कम है, सस्ता है, लेकिन कार्बन सल्फाइड तो हमारा ऑलरेडी ओर ही है, वो तो हमें कन्वर्ट करना करना था, वो तो और भी सस्ता पड़ता है, उसमें तो कॉस्ट ही कोई नहीं है, बल्कि वो तो और एक्स्ट्रा काम आ जाता है। इसलिए याद रखिएगा हम कार्बन ना यूज करके, कार्बन कैन बी यूज, कार्बन इज केपेबल ऑफ रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर, उसमें दम है, लेकिन प्रैक्टिकली करते हुए वी फॉलो द प्रोसेस ऑफ ऑटो रिडक्शन, जहां और खुद ही रिडक्शन कर रहा है उसको यूज किया जाता है। फिर आगे बोलो। Why is copper pyrites, chalcopyrites roasted and not calcined during recovery of copper? ये सिर्फ याद रखने के लिए कि जो copper pyrite जो भी हमने देखा था Cu2S वगैरह वाला, chalcopyrite, ये sulfide ores हैं, और sulfide ores में roasting की जाती है, calcination नहीं। We have to heat in presence of oxygen, उसको कहते हैं roasting। अगर हम simply heat कर रहे हैं, it is calcination। But heating in presence of excess of oxygen, एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कहते हैं रोस्टिंग। बोलो। कॉपर पाइरेट्स इज सल्फाइड ओर एंड इट नीड्स टू बी रोस्टेड हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर एंड नॉट कैल्सिंग। व्हेन रोस्टेड द ओर लूजेस इट्स सल्फर एंड गेट्स कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड। Why copper mat is put in silica lined converter? Copper mat contains Cu2S and FeS. In the converter, FeS gets converted in FeO. Silica helps in removal of FeO impurity as slag. Give the reactions involved in electrolytic refining of copper. Purification of copper. It is purified by electrolytic refining by taking impure copper as anode and pure copper as cathode and acidified CuSO4 solution as electrolyte. Impurities like Sb, Se, Pt, Te, Ag and Au get collected in anode mud. ठीक है, तो ये ऐसी impurities हैं जो anode mud की form में नीचे collect की जाती हैं। Name the common elements present in the anode mud in electrolytic refining of copper. Why are they so present? The elements antimony, selenium, tellurium, gold, silver, platinum, etc. are present in the anode mud during refining of copper. These impurities, being less electropositive, do not undergo oxidation at anode and hence settle down as such. Right. So, याद रखिएगा जो जैसे भी हमने बात की थी कि कॉपर से कॉपर 2 प्लस बना, कॉपर बना, अगर इसके अंदर गोल्ड प्रेजेंट है, अगर तो गोल्ड लेस रिएक्टिव है, उसमें Au प्लस में या 3 प्लस में जाने की पावर नहीं है, वो वहीं का वहीं नीचे बैठ जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। तो जितने भी ये बताए गए जो एनोड मड वाले हैं
दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो ये रिएक्शन ही शो करते हैं ऑक्सीडेशन का, तो इनकी ऑक्सीडाइज होने की रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी कम होती है. सो दे आर प्रेजेंट एज एनोड मड, जिसे ये शो किया गया था. कोल्ड नीचे बैठ जाएगा, कॉपर से कॉपर टू प्लस बना, एयू से एयू प्लस, एयू थ्री प्लस का कारण बनता, वो नीचे बैठ जाता है. तो ये फर्क पड़ता है, जितने भी एनोड मॉडल जो नाम यूज कर रहे हैं वो नीचे बैठ जाते हैं इसी वजह से. एक क्वेश्चन लिखिएगा. ऑटो रिडक्शन प्रोसेस इज नॉट यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ, अब हमने सबकी मेटलर्जी तो नहीं की है, लेकिन जो किया हुआ है उसके बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि हमने कहां ऑटो रिडक्शन नहीं यूज किया था. अभी अभी जो पढ़ा हमने उसी में से आंसर निकल के आना है. आयरन में कॉपर में ऑटो रिडक्शन करते हैं, यस. ऑटो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने ही ओर को यूज करना फॉर रिडक्शन पर्पस. तो कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कॉपर सल्फाइड के साथ, तो ये होता है ऑटो रिडक्शन, अपने ही ओर अपने ऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहा है मेटल में. कॉपर में पढ़ लिया था हमने, हमने मर्करी और लेड नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता. आयरन के बारे में पढ़ा, आयरन का भी देखा था सिस्टम. आयरन ऑक्साइड को किसने आयरन में कन्वर्ट किया था, कौन सा रिएजेंट था. अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किए उसमें FeO या Fe2O3 को किस चीज ने, किस कंपोनेंट ने Fe में कन्वर्ट किया था, चेक करो. कार्बन, क्या कौन सी चीज, कार्बन. हाँ यस बिल्कुल, या C या CO, दो चीजें थी जिन्होंने कन्वर्ट किया था. तो उसमें अपना कोई, इनका जो ओर है वो तो नहीं काम है, ओर तो नहीं यूज हुआ था इस पर्पस के लिए, हमें एक्स्ट्रा एजेंट यूज करना पड़ा था कार्बन वाले को. विच कैन ऑल्सो फॉर्म CO, और CO भी ये काम कर सकते हैं. तो वो ऑटो रिडक्शन नहीं है. ऑटो रिडक्शन होता है जब अपना ही ओर अपने ऑक्साइड को कन्वर्ट करे मेटल में. इसलिए आयरन के बारे में कन्फर्म था कि आयरन में ऐसा नहीं हो पाया. तो दैट इज ऑटो रिडक्शन इज नॉट अप्लीकेबल फॉर आयरन. सो ये जो पोर्शन जो तीन चार ये याद रखेगा, कॉपर का, एल्युमिनियम और आयरन, ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जिनके बारे में डिटेल में है, जिनमें से जो क्वेश्चन है मेजोरिटी इनमें से आने होते हैं. जो बाकी क्वेश्चन मैंने दिए अपने कवर किए हुए नोट्स में वो एक दो दो पॉइंट से, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इनमें मेन ज्यादा चीज रहती है. अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बनता है जो देखते हैं इसके इसमें क्या क्या है. सो विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस फॉर रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स to the oxide and not subjecting the sulfide ores to the oxides. And not subjecting the sulfide ores to carbon reduction directly. फंडा थोड़ा सा बीच में लाइन में उसको काट देता हूं मैं. जितने भी सल्फाइड वाले ओर्स थे उनको हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करके फिर कार्बन वगैरह यूज कर रहे हैं, तो हमने सल्फाइड में ही क्यों नहीं कार्बन को यूज कर लिया. पहले ही हम कार्बन को यूज करते सल्फाइड में, हमें क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ा, दैट इज द की पार्ट. अब ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हमें पूछा गया है कि इनमें से किस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि चार में से तीन बातें सही हैं, एक बात वैलिड नहीं है. सो वो हमें जज करना है इस केस में. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस. क्वेश्चन टेक्निकल है लेकिन आया हुआ, इसलिए मैंने जान के इंक्लूड किया था कि इसे थोड़ा सा दिमाग ज्यादा ओपन हो जाएगा. सो इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस फॉर रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स टू द ऑक्साइड एंड नॉट सब्जेक्टिंग द सल्फाइड ओर्स टू कार्बन रिडक्शन डायरेक्टली. मैं मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, मैंने कार्बन यूज किया, आई गेट मेटल
I can get CO2. मेटल सल्फाइड है, कार्बन यूज किया, मेटल कार्बन डाइसल्फाइड. दो केसेस मेंशन किए गए हैं कि हमने डायरेक्टली इसको क्यों नहीं यूज किया, क्यों हमने पहले मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया है और फिर ये रिएक्शन करते हैं, सीधा क्यों नहीं कर देते हैं. दैट इज द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है, तो ये चीज जान लीजिएगा. अब क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या टर्म्स दी हुई है वो हम देख लेते हैं, पर मैं उसका बेसिक दूं आपको. मैं याद हो आपको, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अगर हम कंबशन करें, देन व्हाट इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है, CO2. क्यों? बिकॉज CO2 इज वेरी स्टेबल. तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबिलिटी वाइज अगर देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर स्टेबल. फिर जब हम मेटल ऑक्साइड और CO2 को कन्वर्ट करते हैं, इस केस में मेटल सल्फाइड और कार्बन सल्फाइड को कंपेयर करते हैं, तो क्या देखते हैं इस पर्टिकुलर केस में, और स्टेबिलिटी वाइज भी दिखा दूंगा, सीक्वेंस में लिखकर ज्यादा अच्छा रहेगा, कि मेटल ऑक्साइड से कार्बन का रिएक्शन करोगे CO2 बनेगा विच इज वेरी स्टेबल. तो मेटल ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में CO2 ज्यादा स्टेबल है. मेटल सल्फाइड और कार्बन का रिएक्शन जब करते हो तो CS2 उतना स्टेबल नहीं है कि वो कार्बन से कंबाइन करना चाहे सल्फर, तो कहता है मैं मेटल सल्फाइड के साथ ही रहकर खुश होगा, तो वो इस रिएक्शन को शो करने में मना करता है. इसलिए ये रिएक्शन होकर हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है ऑक्साइड में और फिर यहां पर. चलो ये तो हो गया कि हम करते क्या है, प्रोसेस क्या था. अब इस केस में ये हमारे पास कुछ टर्म्स दी हुई हैं. मेटल सल्फाइड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CS2. CO2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड. मेटल सल्फाइड्स आर लेस स्टेबल देन कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स. CO2 इज मोर वोलेटाइल देन CS2. अब इनमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो रोल प्ले नहीं कर रही है, ये जो मैंने बातचीत अभी बताई आपको, मैंने इन लाइनों को पढ़िए. CO2 इज मोर वोलेटाइल देन CS2. चलो हमें नहीं पता, ये कहीं यूज तो हुआ नहीं है कि मोर वोलेटाइल से क्या फर्क पड़ रहा है, उसका तो कहीं सामने आया नहीं है. मेटल सल्फाइड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CS2. सो अभी हमने CS2 is less stable. मैं यहां पर इसको थोड़ा सा खोलड़ कर दूं. कार्बन कॉमन है, एज वी गो डाउन टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड डिक्रीजेस. तो सल्फर की जो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है कार्बन के साथ, वो उससे काफी वीकर है, कमजोर है. तो सल्फर और कार्बन कंबाइन करके CS2 बनाए चांसेस कम है. तो ये कह देना कि इसकी स्टेबिलिटी इससे कम है, बात बनती है. तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, मेटल सल्फाइड इज ग्रेटर देन CS2. इसलिए अगर ये ज्यादा स्टेबल होता फिर तो हम ये सीधा पहले रिएक्शन कर देते. अगर कार्बन में ज्यादा एफिनिटी होती तो कंबाइन विद सल्फर टू फॉर्म CS2, फिर तो हम इतनी मेहनत करते क्यों, फिर ये रिएक्शन कर देते. सो मेटल सल्फाइड्स आर thermodynamically more stable than CS2. Yes, fact is. CO2 is thermodynamically more stable than corresponding oxide, metal oxide. जब हम stability wise इन दोनों को compare करते हैं, ये reaction हो पा रहा है. ये reaction क्यों हो पा रहा है? Because carbon dioxide is more stable than metal oxide. So इस case में CO2 की stability ज़्यादा है. So, metal oxide के रिस्पेक्ट में CO2 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये रिएक्शन ऑब्जर्व हो पा रहा है. ये नहीं हुआ था, ये हो पा रहा है. मेटल सल्फाइड्स आर लेस स्टेबल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड. कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स मेटल ऑक्साइड. मेटल सल्फाइड्स आर
अगर मेटल सल्फाइड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो पा रहा है तो क्या शो करता है, ज्यादा स्टेबल कौन रहा होगा? अभी अगर मेटल ऑक्साइड आराम से बन पा रहा है मेटल सल्फाइड से, तो स्टेबिलिटी वाइज दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन रहा होगा, ऑक्साइड या सल्फाइड? सर ऑक्साइड, ऑक्साइड वाला फॉर्म स्टेबिलिटी। तो अब इस पूरे केस में यानी कि बी सी और डी ये तीनों रोल प्ले कर रहे हैं, इसका कोई इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें कोई आंसर में कई रोल नहीं प्ले होगा। तो ये एक बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा स्टेबिलिटी वाइज, और इसे बनाते हुए पिक्चर रहेगी। और इवन इन दोनों में से भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑक्सीजन हैज मोर टेंडेंसी, कार्बन तो कॉमन है दोनों में, तो मैंने ऑक्सीजन और सल्फर कंपेयर कर रहा हूँ, ऑक्सीजन हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म पी बाई मल्टीपल बॉन्ड, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हम ऐड कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, एलिंगम डायग्राम। देखिए एलिंगम डायग्राम फंडा क्या है, कोई क्रिटिकल क्वेश्चन तो कोई ऐसा आना नहीं है रिटर्न वाइज, सिर्फ एप्लीकेशन वाइज आएगा। अब इसका सिस्टम क्या रहा, मेटल ऑक्साइड है, मुझे मेटल में कन्वर्ट करना है, वी कैन हैव ए लार्ज नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम चेक कैसे करें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा, कौन सा वाला एजेंट मेटल ऑक्साइड से मेटल बना पाएगा नहीं बना पाएगा, कहाँ कार्बन पास होगा कार्बन फेल हो जाएगा, CO कैन बी यूज और नॉट वगैरह वगैरह। अब हर बार अगर इंडिविजुअल रिएक्शन किया जाए तो बड़ी वास्ट बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एलिंगम साहब ने समझदारी क्या की, उन्होंने एक चार्ट सा दे दिया। अब इस चार्ट की भाषा दिखेगा, इस चार्ट में क्या किया गया है, डेल्टा जी फॉर्मेशन किलोजूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन, पर मोल ऑफ ऑक्सीजन जितने भी यहां रिएक्शन है, जितना भी अगर आपको ये सब नजर आ पा रहा है, इस सब में देखोगे समझदारी की है कि O2 का वन मोल रखा हुआ है, O2 का वन मोल है, तो पर मोल ऑफ ऑक्सीजन डेल्टा जी गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, वो हमें शो किया हुआ है गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। ये चार्ट मैंने कह रहा कि आपको चार्ट डेटा मारना है, आपको सिर्फ इस चार्ट की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। इस चार्ट की खासियत क्या है कि हर नीचे वाला मेटल अपने ऊपर वाले ऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकता है मेटल में, हर नीचे वाला मेटल अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, बस ये एक सिंपल सा तरीका। अब इस टेबल को देखकर बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए अब अपने आप जज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नीशियम एल्युमिनियम वाला केस है, पॉइंट ए, अगर मुझसे पूछा जाए whether magnesium can convert Al2O3 to Al below this A point, मेरा आंसर होगा yes। क्यों? क्योंकि A point से पहले magnesium की लाइन नीचे है, aluminium की लाइन ऊपर है, तो नीचे वाला मेटल ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जब हम यहां पर आ जाएंगे इसी लाइन को देखिएगा, Al2O3 है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, वो तो लिखा ही हुआ। अब ये लाइन Mg, जो भी क्वेश्चन आए हुए ना डायग्राम के बेसिस पे, सब इसी बेसिस पे है। पॉइंट ए के बाद क्या एल्युमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को Mg में कन्वर्ट कर सकता है? यस, क्योंकि एल्युमिनियम की लाइन नीचे है, मैग्नीशियम की लाइन ऊपर होगी। अब पहले मैग्नीशियम की लाइन नीचे थी, एल्युमिनियम की लाइन ऊपर थी, सो हर नीचे वाला मेटल अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। And that is the key part. बस ये चीज याद रखिएगा, इसके बेसिस पे ये सारे आंसर्स बन जाते हैं। So, जितने भी ये आगे दिए हुए इन सब के बेसिस पे, बस लाइन ए की यूज होगी, इसको मैं पढ़ा देता हूं मैं कैसे रिटेन कर पाओगे।
Yes, sir. Abde, what is Ellingham diagram? Give its important features. Ellingham diagrams, the plot between delta G naught per mole of O2 versus temperature for formation of oxides of elements, that is for the reaction this, are called Ellingham diagrams. It provides a sound idea about selecting a reducing agent in reduction of oxides. So, what is the plot between delta F, G naught? F is for formation. So, yaniki Gibbs energy formation per mole of O2, that is the key part, per mole of O2. Wo karte against temperature. Kiske liye? For formation of oxides. Metal se metal oxide ka banna. Iske liye diagram jo banta hai, isko kehte hai Ellingham diagram. Isse fayda kya hoga? We can get idea about the about selecting a reducing agent in reduction of oxide. So, kaun se wale metal oxide ke liye kaun si a reducing agent suitable hai, usko judge kar sakte hain. Ye iska sabse bada point hai. कुछ और देख ले इस बारे में. आगे. A metal can reduce oxides of other metals which lie above it in the Ellingham diagram because in such a process Gibbs free energy change for coupled reaction becomes negative. Coupled reaction mein jaise ek thoda sa isko bhi elaborate kar do main. Dekhiye purpose kya hai. Mere paas metal oxide hai. Mujhe metal प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है. इसको मैंने MO2 कर दिया, ठीक है, ताकि 1 मोल O2 के हिसाब से रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया. इसका कुछ डेल्टा जी बन है. रिड्यूसिंग एजेंट Ra प्लस ऑक्सीजन टू गिव RaO2 डेल्टा जी टू. मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करना डिफिकल्ट है. कुछ दो तीन मेटल छोड़ दीजिए जो जिनके ऑक्साइड स्टेबल नहीं होते हैं, बाकी सारे केसेस में जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं दे आर क्वाइट स्टेबल. तो उस स्टेबल मेटल ऑक्साइड में से ओ को एम से अलग करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है. सो डेल्टा G1 इज पॉजिटिव, इज नॉन स्पॉन्टेनियस. तो अपने आप में मेटल ऑक्साइड से मेटल का बनाया जाना, सोचो मैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम बना पाऊंगा मैं, आसान नहीं है, डिफिकल्ट, टफ है. रिड्यूसिंग एजेंट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, यस. तो रिड्यूसिंग एजेंट O2 से कंबाइन करके ये बना पा रहा है, इट इज नेगेटिव, इट इज स्पॉन्टेनियस. अब एलिंगम डायग्राम का बेसिस क्या है, इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कपल्ड रिएक्शन. यानी कि दो रिएक्शन को ऐसे जोड़ दो इफ दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इफ दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, O2 से O2 कट गया, रिड्यूसिंग एजेंट MO2 M ये रिएक्शन बन गया. अब अगर दोनों को जोड़ने के बाद लिंक करने के बाद इफ डेल्टा G3 विच इज डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इफ इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ओवरऑल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. तो इसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कपल्ड रिएक्शन. यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जो अपने आप में फिजिबल नहीं था, लेकिन जब हमने इसे कपलिंग कर दी तो वो भी फिजिबल हो गया, क्योंकि नेट रिएक्शन फिजिबल हो गया. और जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट है वो सब इसी बेस पे लिखा हुआ है कि रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा हो दी वन विच इज हैविंग मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन मेटल ऑक्साइड. अभी जैसे कार्बन की बात की थी ना हमने कि काफी सारे मेटल ऑक्साइड में से कार्बन उनके ओ को खींच पा रहा है. क्यों? क्योंकि उसका जो कपल्ड रिएक्शन है वो उसका डेल्टा जी नेगेटिव आता है. तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ कपल्ड रिएक्शन. वन रिएक्शन ऊपर वाला मे बी नॉन स्पॉन्टेनियस इन इटसेल्फ,
अकेला देखोगे नॉन स्पोंटेनियस है, लेकिन जब इसके साथ लिंक करके इकट्ठा कर दिया, इसकी नेगेटिव वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि दोनों को ऐड करने के बाद आंसर कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो ये है कंसेप्ट। तो जब हम ये कहते हैं ना कि एलिंगम डायग्राम में नीचे वाला मेटल ऊपर वाले ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर सकता है, तो टेक्निकली हम इसी चीज को यूज कर रहे होते हैं। बस फर्क इतना है कि एलिंगम डायग्राम में हम इंडिविजुअल एक एक रिएक्शन का डेल्टा जी वन डेल्टा जी टू चेक नहीं करना पड़ता, सिर्फ डायग्राम को देखकर हम जज करते हैं। लेकिन एलिंगम में जो डायग्राम में जो लॉजिक है वो ये बना टिका होता है। तो ये इसका बेसिस है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं वापस उसी पैराग्राफ पे आ रहा हूँ। तो ये हमारे पास है सच ए बिकॉज इन सच ए प्रोसेस गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर कपल रिएक्शन बिकम्स नेगेटिव। तो डेल्टा जी जो कपल रिएक्शन था वो नेगेटिव हो जाता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट सा पहलू आता है इस केस में, इन एलिंगम डायग्राम डेल्टा जी फॉर्मेशन बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब क्या मतलब हुआ, एक दो एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, आमतौर पे बड़ा साफ नजर आ रहा है हमें कि ये -1200 -1100 -1000 -900 ऐसे करते हुए लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये दे आर बिकमिंग लेस नेगेटिव। रिएक्शन क्या है, मेटल का ऑक्सीजन से कंबाइन करना टू गिव मेटल ऑक्साइड, अभी जो लिखा था मैंने। तो ये ऐसे नेगेटिव कम नेगेटिव की होती जा रही है, फ्लो में चेक करना है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। So, ऊपर की तरफ जा रही है -1100 -1000 -900 ऐसे करते हो, वापस आइएगा इसी तरफ। अभी जो ग्राफ दिया हुआ है ये किस चीज की ग्राफ है, मेटल सॉलिड कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड। मेटल भी सॉलिड होता है, मेटल ऑक्साइड भी सॉलिड होते हैं, ऑक्सीजन गैस वाली फॉर्म है। डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं एग्जांपल देके शो कर रहा हूं, डेल्टा एच मेटल का ओ से कंबाइन करना एक्सोथर्मिक है, मान लीजिए वैल्यू है -1000। अब इस केस में डेल्टा एस एंट्रोपी पहले एंट्रोपी बाद में, देखकर क्या समझ आता है, एंट्रोपी बढ़ रही है कम हो रही है, सॉलिड एंड ऑक्सीजन दे आर कंबाइनिंग टू गिव सॉलिड ओनली, यानी कि गैस कंज्यूम हो गई है। अगर गैस कंज्यूम हो गई है, खर्च हो गई है, तो एंट्रोपी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो डेल्टा एस का साइन नेगेटिव है, डेल्टा एस का साइन नेगेटिव। डेल्टा एस का साइन नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका साइन क्या है, नेगेटिव। अब फंडा देखिएगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू थी -1000, मैंने कहा जैसे कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर था, मल्टीप्लाई किया से +300, आंसर क्या आ गया, -700। आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ये वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, अभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टी डेल्टा एस दिस वैल्यू विल इंक्रीज, +300 है, 400 हो गई, क्या बन गया, 600। टेम्परेचर और बढ़ा दिया आपने, ये वैल्यू और बढ़ गई, आंसर क्या हो गया। तो होता ये है इन सारे ग्राफ्स में जो वैल्यूज हैं वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेप्शन वाले केसेस आ गए, लेकिन आमतौर पे जो लाइंस हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं,
they are becoming less negative because of this. Okay, because with increasing temperature, this value becomes more positive, और जितनी value plus होती जाएगी उतना वो minus को nullify करके answer को less negative बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है. तो ये कुछ example लेकर show किया गया. So ये reason है कि as temperature increases, delta G becomes less and less negative. पहले ज्यादा नेगेटिव, फिर कम नेगेटिव, फिर और कम नेगेटिव, लाइक दिस. ये इस केस पे फटा है, उसी को पढ़ लेते हैं जो लिखा गया. आपको थ्योरेटिकल नहीं आना, लेकिन ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं इस बारे में जो पता होने चाहिए. In Ellingham diagram, delta F G naught becomes less and less negative with increase in temperature. Why? The graphs for metals to metal oxide all slope onwards because the change in Gibbs energy becomes less negative with increase in temperature. This is due to the factor that delta S is negative for the reaction, and hence minus T delta S becomes more and more positive with increase in temperature. That is, delta F G naught becomes less and less negative. ठीक है, तो फंडा वही हो रहा है. मैथमेटिकली अगर देखे, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर दिस पार्ट, ये वाला जो माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव विद नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो टेम्परेचर बढ़ने से प्लस की वैल्यू बढ़ेगी, जितना प्लस की वैल्यू बढ़ेगी, ये वाला जो आंसर है, जो रिजल्टेंट है, वो लेस नेगेटिव हो जाएगा. तो मैथमेटिकली मैंने शो कर दिया कि डेल्टा जी तो प्रैक्टिकली सेम रहता है, डेल्टा एस भी प्रैक्टिकली सेम रहता है, सिर्फ टी बढ़ रहा है. तो टेम्परेचर बढ़ने से this factor will become more positive, और more positive होने से answer जो आ रहा है, that is becoming less negative. ये इसके लिए बातचीत. एक तो मैं question लिखा दूँ जो already इस topic पे आए हैं, ताकि एक ideas हो जाएगा आपको. अब ये दो लाइन दी गई है, बी विद ऑक्सीजन टू गिव बीओ टू, ए विद ऑक्सीजन टू गिव एओ टू, यानी कि दोनों पर मोल ऑफ ओ टू के हिसाब से दिया हुआ है. ए और बी को लेकर क्या कहा गया, ए रिड्यूसेस बीओ टू व्हेन द टेम्परेचर इज. सो ये पहले लाइन, ये लाइन इस पॉइंट के बाद B से BO2 ऊपर हो गई, A से AO2 नीचे हो गई. बिलो दिस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, 1400 वाला. बिलो 1400 B कैन कन्वर्ट AO2 टू A. एक क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा, अभी जो मैंने दिखाया था ना मैग्नीशियम वाला, ये उसी बेसिस पे आपको सिर्फ ये बताना चाहिए कि नीचे वाला मेटल अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है. इस पॉइंट के बाद आफ्टर 1400 ए कैन कन्वर्ट, ए कैन रिड्यूस बीओ टू बी. सो ये चीज है. और हमें भी क्या पूछा गया है, ए रिड्यूसेस बीओ टू बट टेम्परेचर इज क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1400 डिग्री सेल्सियस. सो ये अगर एल्यूमिनियम का असर बेसिक अगर पता हो ना, तो इस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो. ठीक है, चॉइसेस पढ़ी, देखिए क्या समझ आता है. एल्यूमिनियम डायग्राम प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट बी पार्ट. ठीक है, सो सिर्फ ये जैसे का आपको जो बेसिक अगर अवेयरनेस हमने ली है, तो उसको आंसर कर सकते हो. तो टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सम मेटल ऑक्साइड, ये उसके बारे में आइडिया दिया करता है हमें. लास्ट कि बिना डायग्राम के एग्जामिनर कैसे ये एल्यूमिनियम डायग्राम को भी सॉलिड पे चेक कर सकते हैं.
metal solid oxygen to give metal oxide. Free energy change plotted as a function of temperature. वही जो हमने किया था. इतना सा टेक्निकल सा हो जाएगा, इसका बेसिस दे दूं आपको मैं. इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं पहले, जो उसका आंसर आएगा उसके लिए. जितना किसी मेटल का डेल्टा जी वाला फॉर्मेशन वाला मेटल टू मेटल ऑक्साइड ज्यादा नेगेटिव होगा, मींस ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, उसकी फॉर्मेशन ज्यादा इजी है, ज्यादा आसान. देखो जी बात है, मेटल से मेटल ऑक्साइड का बनना, इफ डेल्टा जी फॉर्मेशन इज नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव मींस उतनी उसकी फॉर्मेशन आसान इजी. जितना ऊपर होते जाएंगे मेटल ऑक्साइड उतना कमजोर हो जाएगा, उतना यानी कि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. और कुछ ऐसे मेटल, मेजोरिटी मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो जीरो की लाइन से नीचे हैं, नेगेटिव में आ रहे हैं. जो नेगेटिव में आ रहे हैं मींस उनकी ऑक्साइड स्टेबल है. ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो यहां पर नहीं है लेकिन इसके ऊपर सिल्वर वगैरह वाले, जिनकी ऑक्साइड स्टेबल नहीं है, जो डिकम्पोज कर जाते हैं, तो उनका जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव में आ जाता है. उनकी ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है, इसलिए उनकी डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में आ जाती है. तो यहां तो जीरो से ऊपर है नहीं, देखता हूं अगर कोई स्लाइड है तो उसमें दिखा देता हूं आपको मैं. तो जीरो से नीचे आना ये चीज है. अच्छा, सो अब ये जितने भी वैल्यूज हमें मिल रही हैं, अगर मान लीजिए कोई स्लोप नीचे की तरफ आ रही हो, ये तो ऊपर जा रही है आमतौर पर, आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन इनकेस अगर कोई स्लोप ऐसे नीचे की तरफ आ रही हो तो इसका मतलब क्या होगा कि दैट मीन्स द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग. ठीक है ना, क्योंकि जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इज डिक्रीजिंग, लेकिन अगर नीचे की तरफ आ रहा है मींस स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इज इंक्रीजिंग. जितना डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा. ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जो स्लोप वगैरह है वो इस तरह की इंडिकेशन दिया करती है. एक केस ऐसा है जो खासतौर पर एनसीईआरटी में मेंशन था, ये सब चीजें ना इसी बेसिस पे. ये लाइन देख रहे हो, कार्बन से सीओ का बनना नीचे की तरफ आ रहा है, सो सीओ इज बिकमिंग मोर स्टेबल. लॉजिक है इसके पीछे, ध्यान दो. ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये वन मोल हो गया, ये टू मोल गैस हो गई. ठीक है ना, ये वन मोल गैस हो गई लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारे टू मोल गैस हो गई, तो डेल्टा एस प्लस या माइनस? प्लस. सो ये एक ऐसा केस है वेयर डेल्टा एस इज प्लस. फिर लॉजिक पे आ जाओ, डेल्टा जी इस डेल्टा, ये तो कर नेगेटिव ही होता है, ये अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई करके ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस माइनस टी डेल्टा एस बिकम्स मोर नेगेटिव, और जब ये मोर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में मोर नेगेटिव ऐड करोगे तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव. देखिए है पूरा मैथमेटिकल टॉपिक है, कुछ भी नहीं होता. ये तो नेगेटिव है, इस केस में डेल्टा एस पॉजिटिव था, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव हो गया. तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे इट विल बिकम मोर नेगेटिव. ये पहले था माइनस 1000, ये था माइनस 100, फिर बन गया माइनस 200, फिर बन गया माइनस 300, फिर बन गया माइनस 400. तो यानी कि इनका समीशन क्या बन रहा है, मोर एंड मोर नेगेटिव. सो वही कहा गया, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस माइनस टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा बिकम मोर नेगेटिव, यानी कि डेल्टा जी बिकम्स इनका समीशन मोर नेगेटिव. तो उतनी
ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है. सो इस केस में ये चीज खास रहा करती है. तो ये स्लोप जो है वो स्टेबिलिटी की इंडिकेशन भी है कि कब बढ़ रही है कब कम हो रही है. तो ये खासतौर पर ये वाली बड़ी स्पेसिफिक सी एग्जाम्पल है. कार्बन का ग्राफ बाकियों से हटकर है, बाकियों के ग्राफ ऊपर जा रहे होते हैं मेजोरिटी केस में, ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आता है. तो इसी को लेकर क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा. आपको दो तीन रिएक्शन दिए होंगे, चार रिएक्शन दिए होंगे, इन विच केस स्लोप ऑफ डेल्टा जी या ग्राफ ऑफ डेल्टा जी ऑन अगेंस्ट टेम्परेचर, डेल्टा जी फॉर्मेशन अगेंस्ट टेम्परेचर शोइंग अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड, जो भी एग्जाम्पल फ्रेम करेगा. तो आपको ध्यान रहे ऑड वन आउट एक होगा उन चारों में से. सो ये नोट कीजिएगा. तो ये मॉड्युलरिटी का पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे को लेकर. सो इनमें से आता पड़े मोटे मोटे तौर पर जो मेन मेन टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन रहते हैं.